कोरोना वायरस की दवा की लॉन्चिंग के बाद से बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि सवालों के घेरे में है। कोरोना दवा को लेकर अब बाबा रामदेव और चार अन्य के खिलाफ राजस्थान की राजधानी जयपुर में FIR दर्ज कराई गई है। यह केस कोरोना वायरस की दवा के तौर पर कोरोनिल को लेकर भ्रामक प्रचार करने के आरोप में दर्ज किया गया है। कोरोना की दवा के तौर पर कोरोनिल को लेकर भ्रामक प्रचार करने के आरोप में जयपुर में जिन 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें पतंजलि के बाबा रामदेव और बालकृष्ण का नाम शामिल है। जयपुर के ज्योति नगर थाने में शुक्रवार को ये FIR दर्ज कराई गई। FIR में योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण के अलावा वैज्ञानिक अनुराग वाशनौर्य, निम्स के अध्यक्ष डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर और निर्देशक डॉक्टर अनुराग तोमर को आरोपी बताया गया है। ज्योति नगर के थाना प्रभारी SHO सुधीर कुमार उपाध्याय ने बताया, हाँ, रामदेव, बालकृष्ण, डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर और डॉक्टर अनुराग तोमर और पतंजलि के एक वैज्ञानिक अनुराग वाशनौर्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कोरोनिल के भ्रामक प्रचार के मामले में FIR दर्ज की गई है। ऐसी ही और भी कई खबरों को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।